हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रज्वल और आपका स्वागत करता हूँ प्रज्वल रोबोटिक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम एक टेबल से आप बनाने वाले हैं, जिसे गाइस हम पीवीसी पाइप की शीट को, एमडीएफ बोर्ड को बड़ी आराम से कट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज होंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप नए नए यूजफुल प्रोजेक्ट में वीडियो देख पाओगे। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके के एमडीएफ बोर्ड के पीसेस कट करे हैं, जिससे गाइस हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो गाइस, इन सभी पीसेस के साइज क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, ये जो दो बड़े बड़े पीस हैं, ये गाइस 8.5 सेंटीमीटर बाय 8.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीस है। तो इस तरीके से गाइस मैंने दो बनाए हैं। और यहाँ पे गाइस, ये जो चार पीस है जो कि साइड साइड में लगेंगे, तो इनके साइज क्या है मैं आपको यह भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, इनके जो साइज है वो लंबाई में गाइस जो है 8.5 सेंटीमीटर है, और गाइस चौड़ाई में जो है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे गाइस मैंने लिख भी दिया, आप तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के मैंने चार पीस बनाए हैं और इस साइज के दो पीस बनाए हैं। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चार पीस हैं, इन चारों पीसेस को गाइस इन दोनों पीसेस के किसी भी एक पीस के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे और चिपका देंगे। तो चिपकाने के लिए गाइस यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं सुपर ग्लू का। आप चाहे तो गाइस जो फेविकोल होती है तो उसका भी यूज कर सकते हो, उससे भी गाइस काफी मजबूती से चिपक जाएगा, बट उसको गाइस सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए गाइस मैं सुपर ग्लू का यूज कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, यहाँ पे सुपर ग्लू की मदद से इन सभी पीसेस को चिपका कर एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने बॉक्स बना दिया और यहाँ पे गाइस मैंने कुछ होल भी करे हैं। तो गाइस किस लिए करे हैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये जो तीन होल करे हैं, ये तो गाइस मैंने हवा के लिए करे हैं, ताकि जब गाइस हम इसके अंदर मोटर लगा के इसको बंद कर देंगे तो गाइस मोटर हीट हो सकती है, इसलिए गाइस यहाँ पे मैंने तीन होल करे हैं ताकि मोटर को हवा मिलती रहे। और यहाँ पे गाइस ये जो होल है ये हमारे गाइस स्विच के लिए है, जिससे कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकेंगे। और यहाँ पे गाइस ये जो होल है ये हमारा गाइस इंडिकेटर के लिए है, और यहाँ पे ये वाला जो होल है ये हमारा 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट लगाने के लिए होल है। तो इस तरीके से मैंने होल करके बॉक्स बना है, तो उसी तरीके से आपको भी बना लेना है। तो अभी हम इसके अंदर जो चीजें हैं वो फिट कर देते हैं। यहाँ पे स्विच है, तो स्विच को हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा देंगे। तो ये हमारा स्विच लग चुका है, और अभी हम लगाएंगे इसके साथ जो सॉकेट 12 वोल्ट का, तो इसको भी हम साइड में लगा देते हैं। और पीछे से इसका जो बोल्ट है उससे हम इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्विच और यहाँ पे 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट लगा दिए। तो अभी गाइस यहाँ पे हम इस होल में लगा देंगे हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बनाने के लिए गाइस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक एलईडी, और यहाँ पे गाइस मैं ले रहा हूँ एक 1 किलो का रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारी जो एलईडी है उसकी पॉजिटिव लेग के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा इंडिकेटर बन चुका है, तो चलो गाइस इसको भी अभी लगा देते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, जो जो चीजें गाइस हमने डिब्बे के अंदर लगानी थी वो सभी गाइस लगा दी हैं। तो अभी गाइस हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो गाइस कनेक्शन काफी सिंपल है, बट कई लोगों को नहीं आते, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हम पहले लेंगे 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट की पॉजिटिव वायर। तो इस वायर को हम क्या करेंगे, हमारी जो एलईडी है उसकी रेजिस्टेंस वाली पिन के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे गाइस हमारी जो 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट की जो नेगेटिव वायर है, उसको हमारी जो एलईडी है उसकी नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे गाइस जो एलईडी के कनेक्शन हो चुके हैं, मतलब इंडिकेटर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे हम स्विच का कोई भी एक वायर लेंगे, उसको हम जो है इस 12 वोल्ट का जो फीमेल सॉकेट है उसकी नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप चाहे तो पॉजिटिव में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे नेगेटिव में लगाओ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे गाइस हमारा स्विच का कनेक्शन भी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो स्विच का दूसरा वायर होगा, और यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट का पॉजिटिव वायर होगा, इसके साथ हम मोटर कनेक्ट करेंगे। तो गाइस मोटर कौन सी कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गाइस हम इसके अंदर जो है इस तरीके की एक 12 वोल्ट की मोटर लगाने वाले हैं, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे 20 या 25 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो इस मोटर के गाइस कनेक्शन इसके साथ करने से पहले हम इसका ब्लेड बना लेते हैं और ब्लेड लगाने का सिस्टम बना लेते हैं। तो वो गाइस कैसे बनाना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइस ब्लेड बनाने के लिए यहाँ पे मैं जो स्प्रे पेंट का कैन आता है तो उसकी बॉडी का यूज कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सर्कल में मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं बल्ब का यूज कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कंपास नहीं है। अगर आपके पास गाइस कंपास है तो आप कंपास से भी जो है सर्कल में मार्क लगा सकते हो। तो चलो गाइस यहाँ पे सर्कल में मार्क लगा के कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस मेरे सर्कल कट कर लिया है, और आप गाइस चाहे तो सर्कल जो है टीन क्रस्टर का जो डिब्बा आता है तो उसमें से भी आप निकाल सकते हो। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इस सर्कल को बिल्कुल कॉर्नर से शार्प कर देंगे, ताकि गाइस चीजों को एकदम मक्खन की तरह काट डाले। तो चलो गाइस फटाफट से इसको शार्प कर देंगे कॉर्नर से। यहाँ पे गाइस मैंने इस पीस को शार्प कर दिया कॉर्नर से। तो अभी गाइस हम इसके टीथ बनाएंगे, जिससे गाइस ये चीजों को काट पाएगा। तो गाइस टीथ बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ घर की कैंची का।
कैंची का जो भी गाइस, तो अभी हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे गाइस हमारा ब्लेड बन चुका है और देखने में गाइस काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो अभी गाइस इस ब्लेड को हमारी मोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ फैन के बीच के पार्ट का। आप चाहे तो गाइस पुली का भी यूज कर सकते हो, बट मेरे पास गाइस ये पड़ा था तो इसलिए गाइस मैंने सोचा कि क्यों पैसे वेस्ट करने, तो इसलिए गाइस मैं इसका यूज कर रहा हूँ। इस पीस के साइड साइड में पंखुड़ियां लगी रहती हैं, तो उसको मैंने कट कर दिया और पीस को निकाल लिया। तो अभी गाइस इस पीस को हमारे ब्लेड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लगा देंगे, और आपको भी गाइस बिल्कुल सेंटर पॉइंट ढूंढ के बिल्कुल सेंटर में लगाना है ताकि जो है वाइब्रेट ना करे। अगर हल्का हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो चलो गाइस इसका सेंटर पॉइंट ढूंढ के यहाँ पर इसको सुपर ग्लू से चिपका देते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट ढूंढ के इसको सुपर ग्लू से चिपका दिया, और यहाँ पे गाइस ये सूख भी चुका है। तो अभी गाइस हम इसको हमारा जो डिब्बा था उसके ऊपर वाले जो पीस है उसके ऊपर लगाएंगे मोटर को और यहाँ पे हमारे ब्लेड को। तो गाइस हमारा जो मोटर को लगाने से पहले हमें यहाँ पे गाइस ब्लेड भी लगाना होगा, और ब्लेड लगाने के लिए गाइस यहाँ पे हमें होल भी करना पड़ेगा ताकि हम ब्लेड को बाहर निकाल सकेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे मार्क लगा के होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने होल कर दिया है। तो अभी गाइस यहाँ पे हमारी मोटर लगाते हैं। तो जैसे गाइस यहाँ पे मैं मोटर लगाता हूँ तो हमारी जो हमारा ब्लेड है वो आगे से घूम नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो मोटर है और हमारा आगे का जो पीस है उन दोनों का साइज बराबर है। तो इसी वजह से गाइस हमारे MDF बोर्ड के ऊपर टक्कर आता है और ये इसलिए घूम नहीं रहा। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे हम एक MDF बोर्ड का पीस लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मोटर है वो थोड़ी हवा में आ जाएगी और ये हमारा ब्लेड है वो घूमने लग जाएगा। तो आप देखते हो। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इस पीस को यहाँ पे सुपर ग्लू के द्वारा परमानेंटली चिपका देंगे कुछ इस तरीके से, और अभी हम क्या करेंगे हमारे जो मोटर है इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पे पत्ती लगाकर नट बोल्ट के द्वारा टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो पत्ती है ये मैंने गाइस स्प्रे पेंट का जो कैन होता है उसकी बॉडी में से बनाई है, तो आप भी कुछ उसी तरीके से बना सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे इस पत्ती को यहाँ पे लगा देंगे और दोनों साइड होल निकाल के नट बोल्ट के द्वारा टाइट कर देंगे। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने फाइनली मोटर फिट कर दिया है। तो अभी गाइस यहाँ पे हमारे जो मोटर के जो वायर है ये हमारे सिर्फ कनेक्शन करने बाकी है। तो हम क्या करें मोटर का एक वायर लेंगे, उसको हमारे जो 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट की जो पॉजिटिव वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। एक वायर और जो मोटर का दूसरा वायर होगा उसको हमारे जो है स्विच की दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे जो फाइनली सारे कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि सभी कनेक्शन के ऊपर टेप लगा देंगे और सभी वायर को एक साइड कर देंगे ताकि गाइस हमारा वायर कट ना जाए, क्योंकि ब्लेड अंदर की साइड घूमेगा तो वायर कट सकता है। तो इसलिए सभी वायर को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने सारी वायर के ऊपर टेप लगा दी और सभी वायर को एक साइड कर दिया। तो अभी गाइस हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा टेबल सा बन चुका है। तो अभी गाइस यहाँ पे आपको ऊपर की साइड दो नट दिखाई दे रहे होंगे, तो गाइस ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे तो ये बीच में अटकेंगे। तो इसलिए गाइस हम इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस उससे पहले यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे देते हैं जिससे कि इसे देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने फिनिशिंग दे दी है, अभी गाइस ये देखने में पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम इस नट का भी सोल्यूशन निकालेंगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे गाइस मैंने कुछ इस तरीके का पीस बनाया है बड़ा MDF बोर्ड में से, और यहाँ पे गाइस मैंने कुछ इस तरीके की कटिंग करी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पीस को जो है हमारे इस टेबल साग के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो गाइस क्या होगा इससे कि हमारे जो नट है वो अंदर की साइड रह जाएंगे और हमारा ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, और इससे गाइस एक और बेनिफिट हो जाएगा कि हमारा जो टेबल है वो भी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि हम थोड़ा जो अगर कोई बड़ा MDF बोर्ड का पीस होगा या फिर बड़ा कोई PVC पाइप की शीट होगी तो उसको आराम से कट कर सकेंगे। तो चलो गाइस इसको यहाँ पे फेविकोल के द्वारा और सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा टेबल सा बन चुका है, और यहाँ पे गाइस जो दो होल दिखाई दे रहे थे उसको भी गाइस मैंने इस MDF बोर्ड के चूरे के मन से यहाँ पे भर दिया और ऊपर से मैंने सैन करके बिल्कुल प्लेन कर दिया। तो अभी गाइस ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइस अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि कैसा ये वर्क करता है। तो इसको गाइस चलाने के लिए मैं इसमें 12 वोल्ट 2 एम्पीयर के अडैप्टर की सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें सॉकेट में लगाता हूँ, तो आप देखते हो हमारी जो इंडिकेटर है ये ग्लो करने लग गया, मतलब हमारी जो इसके अंदर पावर आ चुकी है। तो अभी गाइस इसको यहाँ पे मैं इसका स्विच दबाता हूँ तो ये चल जाएगा। तो मैं इसको दबाता हूँ अभी,
तो आपको गाइस इसके साउंड से ही पता चल गया होगा ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो चलो गाइस अभी हम इसे किसी चीज को कट करके देखते हैं कि क्या ये कट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं दो चीजें लेकर आया हूँ, एक हमारा पीवीसी पाइप की शीट और एक हमारा एमडीएफ बोर्ड, तो दोनों को हम कट करके देखेंगे। तो पहले गाइस हम इसको कट करके देखते हैं, तो यहाँ पे करता हूँ इसको ऑन। देख सकते हो गाइस इसने काफी आसानी से जो है इस पीवीसी पाइप की शीट को कट कर दिया, तो काफी अच्छी तरीके से हमारा जो हमारा टेबल सा है ये वर्क कर रहा है। तो चलो गाइस अभी हम इसे जो है एमडीएफ बोर्ड को कट करके देखते हैं। तो देख सकते हो गाइस इसने एमडीएफ बोर्ड को भी काफी आसानी से कट कर दिया। बट गाइस एक प्रॉब्लम है कि आप इसे ज्यादा मोटी चीज को कट नहीं कर सकते, लगभग आप जो इसे 2 mm की जो शीट है चाहे वो एमडीएफ हो चाहे वो पीवीसी हो तो उसको कट कर सकते हो, ज्यादा मोटी चीज को गाइस आप कट नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा मोटी चीज को कट करने के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर जो 775 12 वोल्ट डीसी मोटर लगा सकते हो, तो तब गाइस ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और आप इसे मोटी से मोटी चीज को आराम से कट कर पाओगे। तो गाइस ये मैंने छोटी चीजों के लिए कट करने के लिए बनाया। तो गाइस कैसा लगा आपको ये मिनी टेबल सा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको गाइस आने वाली जो वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो को वॉच कर पाओगे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।